हुआ ना, कमरे पे किसी दिन ठीक चलता हूँ। जा बेटा अब्बा, चल रे डोली उठा दो तहारी पिया मिलन की तियारी, तहारी पिया मिलन की तियारी, पीती नगरी ले जावे तहारी पिया मिलन की तियारी। श्रीराम दयाल जाओ अपने कमरे पे जा, तुम अपने कमरे पे जाओ। नहीं मुंशी जी प्लीज, मुंशी जी के प्लीज मुंशी राम सिंह जाओ, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बेगम क्या मूड खराब है शहर का? बेगम जी आका, यही बड़ा नंदा मुंडा पकाने बहुत सुंदर है, खुश हो? बहुत खुशी हूँ आका, मैं सच कहती हूँ। बेगम इसे देख कर, मुझसे दूर रहो। मेरी सहेली कहती थी कि कभी अपने पति को अपना हाथ मत, पहली हरात शर्माओ न गोरी गोरी घूंघट के बट देखो, घूंघट के जवानी के
कैसे मजा कैसे आका मुझे शर्म लगती है। हम तो हर पास आते हैं, तुम दूर दूर जाती हमारे जान। जी बताओ क्या नाराज हो तुम? नहीं आका, आप नाराज हो गए क्या मुझसे? बेगम कभी तेरा दामन सच न छोड़ेंगे हम, आए कभी तेरा दामन आता मुझे बहुत शर्म लग रही। ये साला बहुत दिमाग खराब कर रखा है। नया साला मुंशी है हमें। चलो अभी चंद मिनट बाद आ रहा हूँ। पुलिस पकड़ी जा रही है। वो तमाचा मारूंगा, आंखों से पेशाब आएगा तुम्हारे, बेहूदा कहीं का। तुम सुधरोगे नहीं सर। हाँ हाँ बुला। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। आका हाँ मिल जाओ। बेगम बोलो, आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे? ऐसा है, देखिए ये नौकरी है और जाना तो होगा ही। नौकरी? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आज आई हूँ। आज मेरा गाना आया हुआ है। आज ही तुम
विचार है। अरे कैसी बात कर रहे बेगम साहबा, देखिए नौकरी ये ड्यूटी मिली है और उसको निभाना है। जानू मै सजनिया चमके कब चंदनिया घर में गरीब के उठाल घूम गरीब के उठाए उठाए सामने पैसे ले लो भैया का 100 रुपए टूटे हैं नहीं है नहीं। भाभी जी ओ भैया बता रहे हैं मेरा प्यार हो वो है जो मरकर भी तुमसे जुदा अपनी वहां से होने ना देंगे। कितनी प्यारी गजल कर आता आता ये मुंशी जी कह रहे हैं मेरा प्यार वो है। अरे मेरा प्यार बप्पा से नानी बौरानी बप्पा के घर मोह आज से आनी। टाइम काफी हो गया है और ये मुंशी आता आगे काम भी देख ले फिर सुन लियो गाना वाला। मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमको क्या बात है ये निरंकार गुप्ता जी ये 51 रुपए के नाम दिए हैं सभी कलाकारों के लिए। क्या जानू मैं सजनिया जरा एक बार कह दो। अब गुप्ता जी अब कहा बताए तो चले गए। अब इधर देखिए ओ आज नंबर कैसे लेकर के आओ
ये कौन समुद्र ये लाखन सिंह कोई बंद था इसमें और ये जगत जगत तो रालोपुर में रहने वाला है कोई मुझे भाई जाओ इसको लेकर गाओ हा हा जी सर जगत हाँ सर आपका नाम जगत है जी हाँ लग रहा है कौन के ब्राह्मण हो क्या जी साहब ब्राह्मण हूँ ये बताओ पंडित हो करके और इतनी ही उम्र में डकैती करना शुरू कर दिया चोरी करना शुरू कर दिया नहीं साहब चोरी मैंने नहीं की थी लेकिन गांव के जमींदारों ने मुझे फंसा दिया देखो जगत ऐसा है कि आज तक मैंने कोई भी बदमाश गिरफ्तार किया है लेकिन हर एक बदमाश पकड़े जाने के बाद वो कहता है कि सर मैंने चोरी नहीं किया मैं गलत फंसा दिया गया जगत हाँ सर आप तो कौन के ब्राह्मण हैं अरे एक पत्र ले करके और सजमानी में चले जाए तो तुम्हारे खाने भर का तो तुम्हारी सजमानी ही से मिल जाएगा इतने इतने बड़े आदमी हैं तुम्हारे इस इलाके में तुम्हारा पेट नहीं भरा जगत नहीं सर तुम्हारी इज्जत के ऊपर मैं सच कहता हूँ साहब कि मैंने चोरी नहीं की थी मैं बहुत गरीब इंसान हूँ आप हमारे इलाके में जांच कर ले कि मैं कैसा इंसान था चलो ठीक है जगत तुम्हारी आज रिहाई है मैं था और मेरा बूढ़ा बाप था क्या हो रहा हो हल्ला मचा रहे हैं कहीं दो चार रुपए मुंशी को देना पड़ता नहीं साहब वो चलने लायक नहीं था मुंशी राम सिंह तो पैसों की पड़ी रहती है जगत ठीक है मैं इस थाने में तैनात हुआ हूँ जरूर तुम्हारे केस की और तुम्हारे मकान की मैं जरूर एक बार देखभाल करूंगा और ऐसा दोबारा नहीं हो जगत नहीं सर कि मेरे हाथों से तुम गिरफ्तार हो और फिर जेल आओ फिर जेल की सलाखों में आ जाओ तुम नहीं साहब दिमाग खराब है क्या खोल ले फार्म कैश फार्मर खोल कर तांबा बेच रहे वो हाथ मारूंगा तो आंखों से धन धन निकले बात समझ कही के ये शिक्षा दे रहा है उसको कि कैश फार्मर खोल ले चोरी न करे तो जाओ जगत ठीक है अच्छा हुआ गलत किए नहीं किए लेकिन इसमें 5 साल हो गए तुमको 5 वर्ष की तुमने सजा पाया है और जेल के बाहर रहने के बाद अब तो सही हो जाओगे ठीक जा दोबारा फिर कभी गिरफ्तार है मुंशी जा भेज कराओ जा भेज कराओ मेरे पास क्या है साहब कुछ नहीं लग रहा है ये हमारे मांस बैठा हम इनके वापस बैठा लग रहा है चोर नहीं था चोर नहीं लेकिन नालायक इसे कोई फंसा दिया हाँ साहब है ना हाँ साहब ठीक है चलो देखते चलो अब देखिए जगत
जेल से छूटकर जब घर को पहुंचता है उधर दिलार में बैठे हैं और आ आखिर में क्या बात होती है दिलार में आ और जगत में क्या बात होती है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए मेरा टूटा फूटा घर था, घर भी नहीं है, बापू भी नहीं दिखाई पड़ते, कहाँ चले गए भगवान, कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ है बापू, किस तरफ चले गए भगवान। चल करके दिलाऊं कैसे से पूछूं, वो जरूर बताएंगे। चाचा बेटा आज मैं अभी अभी जेल से आ रहा हूँ चाचा, दौड़ता हुआ अपने घर गया, जिस जगह पे मेरा टूटा फूटा घर था वहां तो खुदा तालाब बना है, जगत तेरा इंतजार मैं करता और मैं अपने जीवन बिता रहा था कि मेरा बेटा जगत किस दिन जेल से छूट कर आएगा और तेरा मकान ठाकुर विक्रम सिंह ने खुदवा दिया सब। चाचा और मेरे बापू कहाँ हैं? तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। और मेरी बहन सितारा कहाँ है चाचा? सितारा सितारा अपनी ससुराल गई है। बहन सितारा ससुराल चली गई है। सितारा तू जा भी रहे सुखी रहे बहन, ये दुआओं के सिवा तेरा भाई तुझे कुछ नहीं दे सकता बहन, कुछ नहीं दे पाया। और जगत चलते समय तेरी बहन कह रही थी कि जब भैया मेरा आएगा तो वो बहादुर उसके हाथ में राखी बांध देना। चाचा अब मैं यहां नहीं रहूंगा चाचा, मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा चाचा। नहीं चाचा मैं इतनी दूर निकल जाऊंगा, इन बाजों में इतनी बड़ी ताकत बना लूंगा कि चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़ के बिठा देंगे उन हराम काबे को। ईद का जवाब अगर पत्थर से नहीं दिया तो हमारा नाम जगत नहीं होगा। किस तरीके से हमारा बाप हमारी जुदाई में करके अपने प्राण खो दिया है, उसी तरीके से मैं उसके इकलौते बेटे को इस जिंदगी से रिहा कर दूंगा। और किस तरीके से स्थापित धागों से 5 साल तक बगैर राखी के हाथ चूड़ा रहा है शीत रक्षा बंधन के दिन ठाकुर विक्रम सिंह का एक अंग काट कर फेंक दूंगा। नहीं चाचा दूसरी प्रतिज्ञा हमारी ये रही चाचा कि जब तक एक एक गिन गिन कर बदले नहीं चुकाऊंगा चैन के लिए नहीं बैठूंगा, इसलिए कि मेरा सब कुछ छीन लिया चाचा, घर भी नहीं रहा बाप भी नहीं रहा, बहन सितारा थी वही ससुराल चली गई,
मैं यहां से भागते भागते काली पहाड़ी के पीछे जाऊंगा। मैंने सुना है वहां डाकुओं का गिरोह रहता है। डाकू था नहीं लेकिन डाकू अब बनूंगा चाचा। कहानी हमारी ठाकुर विक्रम सिंह की अब शुरू होगी। अभी तक तो नंबरिंग हुई थी चाचा लेकिन खेल अब स्टार्ट होगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो। यानी आज तू नतीजे पर जा रहा है कि डाकू बनेगा। खैर ठीक है भगवान, तुझे लाख लाख तेरा शुक्र है। जहां जाता सुखी रहे। चलता हूं सरदार का आने का वक्त है। चलो पहाड़ी के पीछे। नथू बताइए भैरो, आज सरदार का आने का वक्त है। चलो वो पहाड़ी के पीछे चलते हैं। क्यों ना चलेंगे। सरदार की जय हो, जय हो। सरदार आपकी राय देख रहे हैं। ठीक है, मेरा इंतजार कर रहे थे। जी सरदार, आ गया हूँ। सरदार कह रहे। जी सरदार, सुनो। बोले सरदार, ये जगह का इलाका है और जगह के नाम से जमाना काटता है जमाना। क्यों नहीं सरदार, इसीलिए पुलिस ने आपके ऊपर 50,000 का इनाम धरा है। ये सवाल तो हम तुमसे बाद में करेंगे। क्यों नहीं, इस वक्त हमारी बात सुनो। बोलिए सरदार। जगह सीमा जूद है और इसीलिए अरे कहत है रे, क्योंकि कितना इनाम रखा है सरकार। हम सरकार आपके इतने अवसर आ चुके हैं लेकिन आज इतना खूंखार इंस्पेक्टर आया हुआ